नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल और एक नए ब्लॉग में। आई होप दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज है 18 नवंबर 2023। आज पूरे भारत देश में मनाया जाने वाला छठ महापर्व, और इस छठ महापर्व के मौके पर मैं आपको लेकर चलूंगा दोस्तों दशाश्वमेध घाट, बनारस के दशाश्वमेध घाट, और दिखाऊंगा कि क्या खूबसूरत और मनमोहक नज़ारा होने वाला है दशाश्वमेध घाट का। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, अपनी माताएं बहनें क्यों छठ का व्रत रखती हैं। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार इसको बता दूंगा अपने वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि छठ पर्व की शुरुआत कहां से हुई थी। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि छठ पर्व की शुरुआत बिहार से हुई थी, लेकिन बिहार के किस जिले और किस जगह से शुरुआत हुई थी ये मैं बताने वाला हूँ आपको। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं दशाश्वमेध घाट। हमारा जो छठ पर्व है, आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत आज से हजारों साल पहले महाभारत काल से शुरू हुई थी। हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार छठ पर्व की सबसे पहले शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ दान की यह परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व को लेकर एक और कथा प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा का कोई संतान नहीं था। उसके लिए संतान प्राप्ति के लिए उसने लगभग हर जतन कर डाले, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, उसे संतान प्राप्ति नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्र येष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मित्र बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्यौहार मनाने की घोषणा कर दी। ऐसा पुरानी कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता ये भी है दोस्तों कि छठ पर्व सबसे पहले औरंगाबाद के देव नामक स्थान पर मनाया गया था। औरंगाबाद के देव नामक स्थान में सूर्य मंदिर है, और इस सूर्य मंदिर की पूजा करके सबसे पहले छठ पर्व मनाया गया था, जिसके बाद इसकी शुरुआत हुई। अब दोस्तों कभी भी गूगल करेंगे कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, तो आपको ये सारी जानकारी वहाँ से सुनने को मिलेंगी। और दोस्तों इस पर्व से रिलेटेड, इस पर्व से संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास हो जो कि मैं ना बता पाया हूँ, या फिर मेरी कोई भी बताई हुई बात गलत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे देखते हैं।